Hi guys, welcome back to my channel Join to Bollywood and I hope you guys are doing absolutely fine. आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं एक्टिंग की वो टेक्नोलॉजी जिससे आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं. आज पार्ट वन में आपको जानने को मिलेगा 9 रस के बारे में, 9 मूड्स ऑफ एक्टिंग. तो गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्टिंग की. अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आप एक्टिंग सीख गए, समझ गए और आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी लाइफ के लिए. तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं 9 रस होते क्या है, क्या इनका मतलब, 9 रस का क्या मतलब है एक्टिंग से. तो गाइज, मैं आपको बता दूं, 9 रस एक ऐसी चीज है, अगर खाने में नमक ना डाला जाए तो खाना में कैसा लगता है, बेस्वाद. खाना हमको बेस्वाद लगता है, अच्छा नहीं लगता है. अगर एक्टिंग में भी ये 9 रस ना डाले जाए ना, तो आपकी एक्टिंग एकदम बकवास लगेगी और फीकी लगेगी, जिससे आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा. आप काफी लोग बोलते हैं, सर मैं ऑडिशन तो बहुत सारे देता हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं होता. क्यों नहीं होता भाई? तो यही रीजन है, क्योंकि आपको 9 रस का पता नहीं है कि मुझे कहाँ पे कौन सा रस यूज करना है. आप बस जाते हो, डायलॉग देखते हो, उसको पढ़ा और जाके बोल दिया. अब उसको कौन से मूड्स में करना है, कौन से रस में करना है, ये आपको नहीं पता होता. गाइस, आज हम जानेंगे 9 रस के बारे में कि ये कैसे वर्क करते हैं. तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, पहला रस है हमारा श्रृंगार रस. श्रृंगार रस होता क्या है? श्रृंगार रस का मतलब लव, प्यार. तो गाइस, अब ये प्यार कैसा है, लव कैसा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ. तो गाइस, श्रृंगार रस में हमें याद रखना है, श्रृंगार रस हमें वहां पे यूज करना है जहां पे किसी की हम तारीफ कर रहे हैं, या फिर किसी लड़की को हम प्रपोज कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे हमें प्यार वाली फीलिंग आ रही है, तो वहां पे हमें श्रृंगार रस का यूज करना है. सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, अगर आप उसको प्रपोज करने जाते हैं, तो सिंपल सी बात है ना, आप उसे एक स्माइल चेहरे से प्रपोज करोगे. अब ऐसा तो नहीं है कि सुमन मैं तुमसे प्यार करता हूं, भाई ये तो गलत हो गया ना. आप कैसे करते हो? बहुत प्यार से, सुमन उसको भी तो फील आना चाहिए. जब आप प्यार से उसको एक चेहरे पे छोटी सी स्माइल रखनी है आपको, और थोड़ा सा फील करना है उस कैरेक्टर को कि आप प्यार वाली फीलिंग, तो अपने आप एक्टिंग निकलेगी. क्योंकि रियल लाइफ देखो, हम रियल लाइफ में ये चीज करते हैं, पर जब हमें कैमरे पे करनी होती है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करें कैसे. जो हमने रियल लाइफ में किसी को हमने प्रपोज किया है, तो हमें उस टाइम पे वो फीलिंग आती है एकदम, मतलब हाथ में एक अलग एनर्जी, हाथ थोड़ा होते हैं, पर जब हम शूट करने जाते हैं तो हम नहीं कर पाते, हम वो चीज को फील भी नहीं कर पाते. तो सिंपल सा है श्रृंगार रस, आपको वही कंडीशन सोचनी है कि कभी भी आपने अगर ऐसा फील किया हो, कभी भी आपने लव वाली फीलिंग है, जरूरी नहीं है कि वो लव अपने गर्लफ्रेंड के लिए ही किया हो या किसी को प्रपोज करने के लिए किया हो. क्या पता, बहुत सारी चीज होती है, माँ बाप के लिए प्यार होता है, आप माँ से प्यार से बात करते हो, पिताजी से प्यार से बात करते हो, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है आपको बहुत फील होने लगता है किसी के, तो कुछ भी हो सकता है भाई. तो आपको वो कंडीशन को सोचना है और उसके बाद एक्टिंग करनी है. तो सिंपल सा तरीका है एक्टर बनने के लिए, आपको ये फीलिंग को, लव को समझना है. जब भी आपको कोई डायलॉग मिलता है, ऐसी कंडीशन मिलती है, तो उस चीज को फील करना है और फिर एक्टिंग करनी है. कहीं भी डायलॉग मिलता है, ऑडिशन मिलता है, अपने आप यू एक्टिंग होगी यू, बस उस कंडीशन को समझना है. भाई यहाँ पे तो, यहाँ पे डायलॉग में तो भाई ये कंडीशन है, प्यार वाला फील आ रहा है. अब आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है तो उस चीज को जाओ रिमाइंड करो, सोचो 2-3 सेकंड, उसमें घुसो, उसके बाद वो डायलॉग बोलो. यूं सिलेक्शन करेगा यूं. तो गाइस, आपको उस कैरेक्टर के अंदर डूबना है और समझना है. छोटी सी स्माइल करके बोल देना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये ऐसा वैसा, तो ये श्रृंगार रस नहीं है भाई. फील भी लाना है साथ में, तब एक अच्छे एक्टर बनोगे. तो गाइस, ये था हमारा श्रृंगार रस. आई होप आपको समझ में आया होगा. गाइस, सेकंड है हमारा वीर रस. तो गाइस, वीर रस के नाम पे, भाई नाम रस में ही है, वीर मतलब एकदम बहादुरी वाला. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अभी नॉर्मल सी बात है, अगर आप घर पे बैठे हो, होता नहीं कोई आपके 98% आ गए, कोई रिलेटिव घर पे आया, पापा तारीफ कर रहे हैं, अरे हमारे बेटे के तो 98% आए हैं, तो हमारे अंदर कैसा एक फीलिंग, खुद ही एकदम आए हैं, तो एक जो फील आता है ना, मतलब बहादुरी वाला, मतलब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उसको बोलते हैं वीर रस. अभी नॉर्मल सा एग्जांपल है, अपने सल्लू भाई, आपने देखा उनको, वो हमेशा अपने एक वीर रस में रहते हैं, अपना एक टशन में. तो भाई यही है वीर रस, और कुछ नहीं है. तो वीर रस बहुत सिंपल सा है, मतलब कुछ भी हो, आपने मतलब बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, हाउ द जोश,
हाई सर, तो मतलब क्या है ये? वीरस्मी है ना, जितने भी हमारे आर्मी मैन है वो कितने मतलब जब सलूट करते हैं कितना एकदम प्राउड होता है फिल्म को करने में, तो वही वीर रस है और कुछ अलग से नहीं है। आपको एक कंडीशन दी जाएगी, जब आपको कैरेक्टर मिलेंगे ना फिल्मों में सीरियल में, तो डायरेक्टर बताएगा भाई जो आपका कैरेक्टर है ना आपको मतलब टशन में रहना है अपने एकदम, आप यू जो कुछ हो, आपके अलावा कोई कुछ नहीं है, आपको एकदम जो है चलना है, आपको जो बोले वही होगा, आपका कैरेक्टर में वीर रस वाला है, तो आपको समझना है भाई। अब आपको बता ही नहीं होगा वीर रस होता क्या है, तो आप क्या समझोगे? आप बोल दोगे हाँ हाँ ठीक है सर, जब सेट पे गए एक्शन हुआ तो खुश, तो भाई समझ लो वीर रस क्या है, बहादुरी। वीर रस क्या है? बहादुरी, एकदम बहादुर हो आप एकदम, मतलब आपका कैरेक्टर बहादुरी वाला एकदम, कहीं होता नहीं है, आपने खुद रियल लाइफ में फील किया होगा यार ये तो मैं कर दूंगा आई कैन डू इट, तो वहां क्या होता है फीलिंग, एक वीर वाली फीलिंग आती है यार कि मैं कर सकता हूं, तो वही है वीर रस और कुछ भी नहीं है। तो जहां भी आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, आप डायलॉग मिलते हैं, आपको लगता है कि यार हाँ यार इस कैरेक्टर में यार वीर रस की डिमांड है, तो आपको समझना है। अभी आपको किसी को मतलब नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक अगर आप चार लोग होते हैं एक फिल्म में, चारों के किरदार अलग अलग होते हैं, एक हीरो होता है उसका एक अलग करेक्टर होता है, एक जो कॉमेडी करता है उसका अलग होता है, और एक जो विलन होता है उसका एक टशन अलग होता है, तो सबके एक अलग अलग रस्म होते हैं, अलग अलग मूड्स होते हैं सबके, कि भाई आपको इसी करेक्टर में रहकर एक्टिंग करनी है, आपको इस करेक्टर में एक्टिंग करनी है, तो भाई वीर रस आपको भी समझ लेना है। वीर रस का मतलब सिंपल सा समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है भाई, बहादुर जहां पे आपको लगे भाई हम है जो है और कोई कुछ नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, वही है वीर रस, इतना समझो बस। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, आइए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। गाइस रोद रस मतलब गुस्सा, तो भाई गुस्सा तो ऐसा तो है नहीं आपको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा सबको आता है यार, बट वो गुस्सा रियल लाइफ में करना अलग होता है और शूटिंग में करना वो अलग है। यहां पे आपको रियल में आता है बट शूटिंग में आपको रियल में नहीं आता है, वो आपका दोस्त ही होता है बट आपको उसके ऊपर गुस्सा करना होता है और रियल वाला गुस्सा करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं रुद्र रस। अब करेंगे कैसे उसको? सिंपल सा है यार, देखो करना क्या है आपको, कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में सोचते हो तो आपको अपने आप गुस्सा आता हो यार, बस मिले तो इसको मार ही दे, उसे फील करो बस यार ये बंदा वही है, इसने मेरे साथ गलत किया है, ये जब आएगा ना तो मुझे समझ जाना है, तो अपने आप गुस्सा है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्टिंग में सब कुछ फीलिंग है, अगर आप उस गुस्से को फील नहीं करोगे ना तो आप कभी अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे। एक्टर बनना बहुत आसान बात है, हर कोई बोलता है मैं एक्टर हूं, बट अच्छा एक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, तो आपको ना अच्छा एक्टर बनना है ना कि सिर्फ एक्टर, तो उसके लिए आपको इन नौ रस पे तो काम करना ही करना है, और साथ ही साथ मैं आपको और भी आगे बताऊंगा क्या आपको करना होगा जिससे आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं और बॉलीवुड में काफी नाम कमा सकते हैं। तो गाइस हम कर रहे थे बात वीर रस की, तो गाइस सिंपल सा ही है, आप समझ चुके होंगे गुस्सा करना यार सबको गुस्सा आता है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं गुस्सा कैसे करना है, आपको ये आईब्रो को नीचे डाउन करना है, तो ऐसे करना है, देखिए अपने आप गुस्सा आ रहा है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नॉर्मल हूं, मैंने सिर्फ फेस को बनाया, मैंने आईब्रो को नीचे किया, नाक को थोड़ा ऊपर किया, अब मेरे चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, तो भाई मैं तो कुछ नहीं किया ना, मैंने सिर्फ क्या टेक्निक को यूज किया, मैंने गुस्सा फील भी किया और मैंने एक छोटी छोटी टेक्निक को यूज किया कि गुस्सा मेरे ऊपर कैसा लगेगा। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है जो आपको हम बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते और ना ही आप देख पाओगे, आप बोर हो जाओगे, तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। तो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है, तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, और अगर आप ऑडिशन के अपडेट चाहते हैं ऑनलाइन ऑडिशन या कोई भी ऑडिशन के बारे में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे हम अपने हर ऑडिशन के अपडेट देते रहते हैं, करते रहते हैं। एक बात और,
जो मैंने आज 9 रस में से आपको 3 रस बताए ना, इन 3 रस पे आपको एक एक लाइन के दो दो लाइन के डायलॉग बनाने हैं और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और उसे हम चेक करेंगे कि आप कैसा कर रहे हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। शेयर इसलिए करो यार, आपके शेयर से किसी न किसी एक्टर की हेल्प हो सकती है और वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है। तो गाइस कर भला तो हो भला। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने वीडियो लास्ट तक देखा एंड मैं आशा करता हूं कि आप एक अच्छे एक्टर बनेंगे और ऐसे ही नाम कमाएंगे। जय हिंद जय भारत।